हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नफीस कमरान पे। और आज हम क्लास टेंथ के लिए कुछ खुशखबरी लाए हैं और आई थिंक ये सुनकर आपको खुशी होगी। इस लेक्चर में मैं इस वीडियो में मैंने कुछ मार्क मतलब कितने क्वेश्चन का कई इस वीडियो में मैंने ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी चैप्टर हो उससे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने मार्क का आ सकता है। ओके, और सिलेबस क्या है 2022 का, मेनली ये 2022 के लिए है जो कि आने वाला है। 2021 का तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, उसका तो एग्ज़ाम हुआ नहीं, बट अब 2020 के लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग 9th में थे वो तो 10th में पहुंच गए होंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक चीज़ बता दें, देखो ये 22 तारीख को आया है, 22/4/2021 22 तारीख को यहाँ बताया गया है सिलेबस। ओके ना, कैसे पूछेगा? देखो 2021 में क्या था, 2021 में था कि ऑब्जेक्टिव 20% ऑब्जेक्टिव पूछता था। ओके, 20% ऑब्जेक्टिव पूछता था और 20% केस बेस्ड क्वेश्चन पूछता था। लेकिन इस साल थोड़ा सा चेंजिंग किया, केस बेस्ड क्वेश्चन मतलब फिगर दिया हो और उससे आपको सॉल्व करने बताए। ओके, जस्ट लाइक ये भी ऑब्जेक्टिव, ये भी ऑब्जेक्टिव रहता, बस इसमें ये फ़र्क रहता है इसमें फिगर के साथ दिया रहता है, रियल लाइफ से रिलेटेड दिया रहता है, बस इतना ही फ़र्क है। ओके, और 60% रिमेनिंग जो था वो क्वेश्चन आंसर रहता था शॉर्ट लॉन्ग, बट इस साल थोड़ा चेंजिंग ये किया है कि 30% कर दिया, 10% इंक्रीज कर दिया केस बेस्ड क्वेश्चन। क्या किया, 10% इंक्रीज कर दिया केस बेस्ड क्वेश्चन मतलब फिगर वाला जो क्वेश्चन है, बस ये आसान है, ये भी ऑब्जेक्टिव। जस्ट लाइक ये सोचो कि ऑब्जेक्टिव आपका बढ़ गया, सब्जेक्टिव कम हो गया, ऑब्जेक्टिव बढ़ गया तो ये आपके लिए खुशखबरी है, पहली बात। दूसरी बात, बस इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना है, रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन सब बेस्ट आएगा। ओके, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसा क्वेश्चन रहता है, ये भी मैं बताऊंगा। अब है 20% क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहता था जैसे वैसा ही है, और रिमेनिंग 50% क्वेश्चन शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर आएगा। ओके, मतलब 10% यहाँ डिक्रीज कर दिया गया शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर, तो आप लोग के लिए बहुत ही खुशखबरी है। मतलब अगर 80 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन पेपर, तो उसमें तो आपको 40 मार्क जो है ना ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, 40% मतलब ये, हाँ 40 मार्क क्या रहेगा, 40 मार्क आप लोग का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 40 मार्क सब्जेक्टिव रहेगा, 50-50 मार्क सोच सकते हो, इतना ज़्यादा आप लोग को फ़ायदा मिल रहा है 2022 के लिए, सोचो आप लोग। इसी के लिए हमारे चैनल पे क्लास स्टार्ट हो चुका है और आप लोग भी यहाँ से स्टार्ट कर दो पढ़ना। ओके, चलो इसमें तो इतना ही बताना था। हाँ, तो अब चलिए हम अपने मेन टॉपिक पे, जो कि ये रहा। ओके, अब ये रहा 2022 के लिए हमने सिलेबस बताया, कौन सा चैप्टर से कितने मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें बताने के लिए यहाँ देखिए यूनिट वाइज दिया हुआ है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। यूनिट 1 में केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर 25 मार्क का क्वेश्चन आएगा इसमें से। मतलब वैसे ये तो देखा है टोटल ये केमिस्ट्री है, क्या है टोटल ये केमिस्ट्री है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग 23 मार्क का आएगा, ये बायो है, ये क्या है बायो है। नेचुरल फेनोमेना ये 12 मार्क का आएगा, ये फिजिक्स है, ये क्या है फिजिक्स है। इफेक्ट ऑफ करंट 13 मार्क का आएगा, ये भी फिजिक्स है। अभी और अच्छे से इसको बताऊंगा मैं, ये इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं।
ये नेचुरल रिसोर्स है, ये बायो और फिजिक्स का मिक्सअप है। ओके, ये दोनों का मिक्सअप है। टोटल 80 मार्क का क्वेश्चन पेपर आएगा, 20 मार्क का इंटरनल असेसमेंट आएगा, जैसे कि प्रोजेक्ट वर्क हुआ या इस टाइप का इंटरनल असेसमेंट कोई भी चीज़ हो, वो स्कूल पे डिपेंड होता है। ओके ना, प्रैक्टिकल होगा। अब देखो, यूनिट वन में बताया था मैं, जैसे कि ये पूरा क्या है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, एसिड बेस एंड साल्ट सेकेंड चैप्टर है, मेटल एंड नॉन मेटल थर्ड चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड फोर्थ चैप्टर है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ये फाइव चैप्टर है। यूनिट टू में मैंने बताया था ये बायोलॉजी का है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट, हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। यूनिट थ्री नेचुरल फेनोमेनन, ये फिजिक्स का मैंने बताया था, जो कि लाइट चैप्टर और ह्यूमन आई है इसमें। यूनिट फोर में इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। यूनिट फाइव जो कि 7 मार्क का क्वेश्चन था, इसमें से ज़्यादा उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, इसी के लिए इसको लोग लास्ट में पढ़ते हैं और आप भी लास्ट में पढ़िए तो ये ज़्यादा अच्छा है, मेन मेन चैप्टर पे ज़्यादा फोकस। ओके, मतलब ये पूरा थ्री चैप्टर मिला के 7 क्वेश्चन आएगा, मतलब 7 मार्क आएगा। अगर ऊपर वाला पढ़ोगे तो वो देखो 5 कम से कम 5 मार्क एक चैप्टर पढ़ने में मिल रहा है, 5 चैप्टर है इसमें तो 5 मार्क एक चैप्टर पढ़ने में मिल रहा है, तो आसान कौन है, आसान ये है ना, पहले 5 मार्क आ रहा है, यहाँ 3 चैप्टर पढ़ने के बाद 7 मार्क आ रहा है, मतलब 2 मार्क ज़्यादा। तो ये सब, और ये सब पूरा याद करना पड़ता है। ओके ना, तो ये लास्ट में पढ़ा जाता है, जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी ये फिजिक्स का है और ये दोनों बायो का है। ओके, चलिए मैथ पे चले, इस चैनल पे मैथ भी पढ़ाया होगा और आप देखिए कैसे क्या है। ओके, हाँ, पहला इसमें भी यूनिट वाइज नापा, मतलब डिवाइड किया गया है, नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम 6 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, अलजबरा 20 मार्क के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क का, ज्योमेट्री 15 मार्क का, ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क का, मैंसुरेशन 10 मार्क का, स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क का, टोटल 80 मार्क का होता है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, इंटरनल असेसमेंट नहीं होता है। यूनिट वन में नंबर सिस्टम है, जो कि रियल नंबर होता है, रियल नंबर देखिए कितने मार्क का था, 6 मार्क का, अप्रॉक्स एवरी क्वेश्चन हैव 6 मार्क। ओके, यूनिट टू में अलजबरा, अलजबरा में 4 चैप्टर आता है, जो कि ये सब है पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एपी। यूनिट थ्री में है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट थ्री में। यूनिट फोर में ज्योमेट्री में आता है कौन कौन सा, ट्राइंगल सर्कल एंड कंस्ट्रक्शन। यूनिट फोर में ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से आते हैं, इंट्रोड्यूस टू ट्रिग्नोमेट्री, मतलब सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री, और ये एप्लीकेशन। ओके ना, ये भी देखोगे बहुत ही आसान है, इसमें सिर्फ टैन थीटा ज़्यादातर यूज होता है और माइंड लगाने की ज़रूरत है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने बात, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और पढ़िए, अच्छा लगेगा आई थिंक। ओके, आप लोग के लिए जितना ही मेहनत हो सके मैं करूँगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये मेंसुरेशन में आता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यूनिट 7 स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, यहाँ पे हमारा ये एंड होता है और लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ कि देखो, पढ़ो कहीं से भी, अभी तो वैसे भी लॉकडाउन है। जैसा कि आपने देखा कि मैंने जितना था आपको मैं बता दिया कि इसमें क्या क्या है और कैसे कैसे है, कितने नंबर का आएगा। ओके, अब लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि कोई एक चैनल उठाओ, चाहे तो वो मेरा हो या किसी का भी हो, कोई एक चैनल उठाओ, वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से, थोड़ा 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 पढ़ते पढ़ते ना बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे। लेकिन अगर अभी जो स्टॉप कर दोगे, या बहुत बच्चे होते हैं कभी इस चैनल पे जाते हैं कभी उस चैनल पे जाते हैं, तो इससे क्या होता है, कुछ सही ढंग से वो पढ़ नहीं पाएगा, एक ही चीज़ में लटका रह जाएगा। इसी के लिए कोई एक चैनल उठाओ, कोई एक सर का देखो और उसको अच्छा लगे तो उसी से कंटिन्यू करो, ज़्यादा भटको मत बच्चों अभी। ओके, वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल बंद है, कोचिंग बंद है, मतलब लगभग
सोर्स ही नहीं है अभी ऑनलाइन क्लास के अलावा। अगर ऑनलाइन क्लास भी कर रहे हो तो कहीं कोई अच्छी जगह पे करो ना, अच्छी जगह पे करो वो अलग है, और कंटिन्यू करो। ओके, चाहे तो मेरा अच्छा लगे मेरा करो, किसी और का अच्छा लगे किसी और का करो, लेकिन करो कंटिन्यू। ओके, दूसरी चीज, हमारा क्लास 2 मई से स्टार्ट होने जा रहा है। कब से? 2 मई से स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। ओके, पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी रहेगा और ऐसे ही कंटिन्यू होगा। यहाँ मैथ भी पढ़ाई होगा, मैथ और साइंस, सीबीएसई बोर्ड के लिए मैथ और साइंस यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ये पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कॉल करोगे, कॉल नहीं मैसेज करोगे, व्हाट्सएप मैसेज। ओके, 999 कॉल करोगे, शायद रिस्पांस ना दिया जाए, लेकिन व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करोगे तो ज़्यादा चांस है रिस्पांस दे दिया जाएगा। ओके, ज़्यादा चांस रिस्पांस दिया जाएगा। और हमारा ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। फिर से व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कर सकते हो। यहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट भी मिलेगा। क्या मिलेगा? हैंड रिटन नोट, जैसे कि मैं बताता हूँ। देखो हैंड रिटन नोट कहाँ पे है, हैंड रिटन नोट आप देख लो, इलेक्ट्रिसिटी का ही देख लो हैंड रिटन नोट, देखो किस टाइप का है हैंड रिटन नोट। ये आपको हैंड रिटन नोट मिल जाएगा। ओके, इस टाइप से इसी से पढ़ाया जाएगा और बहुत सी क्वेश्चन सब करवाए जाएंगे। आप यहाँ से देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन और सिंपल लैंग्वेज में है, पूरे सिंपल लैंग्वेज में देख सकते हो आप। ओके, आपको अच्छा लगे तो इसको पढ़ो, आगे शेयर भी करो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर जो बच्चा भटक रहा है उसको भटकने मत दो, उसको बोलो कोई एक चैनल से पढ़े, चाहे वो मेरा हो या किसी और का भी हो, इससे मतलब नहीं है, बट चैनल एक होना चाहिए। ओके, चलो तब तक के लिए इतना ही आज के लिए, कल से क्लास स्टार्ट होगा, क्लास एंजॉय करो, तब तक के लिए ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो बच्चों।